भैया टिकटॉक तो शहर का वो चोर हो गया कि ये कुछ करे या ना करे, लेकिन शहर में यदि कहीं भी चोरी होगी तो इसे पकड़ लेते हैं और इसमें दह चप्पल और दह चप्पल। भैया सबसे पहले तो keysworld.com का धन्यवाद करेंगे इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। keysworld.com पर आप विंडो 10 सिस्टम या ऑफिस 2019 और भी कई सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, बिल्कुल लेजिट है और 10 मिनट में डिलीवर कर दिए जाते हैं। और यदि आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है, प्रमोशनल कोड है। जैसे मैं विंडोज 10 और ऑफिस 2019 पर क्लिक करता हूँ और इसे ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट में जाके आप व्यू कार्ट देखेंगे तो वहाँ पर प्रोसीड चेकआउट कर दो और नीचे आपको अप्लाई डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप इस कोड को डाल दो। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल गया है। बाकी अधिक जानकारी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यदि आवश्यकता है तो जाके चेक करें, क्लिक करें। तो आ गया, कैसे हो भैया? जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में टिकटॉक और यूसी ब्राउजर सहित 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। क्यों भैया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि जो बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है उस वजह से ये जो चाइनीज ऐप हैं, हो सकता है कुछ अंदेशे भी हैं कि 136 करोड़ भारतीयों का जो डेटा है या जो भी प्राइवेसी है ये थर्ड पार्टी को या किसी और देश को बिना ऑथराइजेशन के दे सकते हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी में समस्या आ सकती है। बहुत बढ़िया किया, ये तो हो सकता है और पहले भी इनके बारे में ऐसी जानकारी निकली हुई हैं। अब यदि इनमें से कोई ऐप हमारे फोन में पहले से है तो क्या हम डिलीट कर दें? यदि हम डिलीट नहीं करेंगे तो पुलिस हमारे पिछवाड़े पर लठ मारेगी? नहीं भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, रखते भी हो अपने फोन में तो ये इल्लीगल नहीं होगा। लेकिन आपको सलाह ये है कि जिन ऐप को बैन कर दिया जाता है उनके सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलते, डेवलपर सपोर्ट नहीं मिलता, तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं आपके नंगे नाचने वाली फोटो लीक हो जाए, कोई नहीं पूछेगा, कहीं कह भी नहीं पाओगे आप। ये तो ऐसे ही समझो जैसे किसी आदमी को बैन कर दिया देश में और आपने उसे ही घर में नौकर रख लिया, तो रात को आपके कान काट के ले जाएगा तो फिर कैसे करोगे? अब मेरे जिन प्यारों को ये लगता है कि इन ऐप्स को बैन करने से चाइना की आर्थिक स्थिति बुरी तरह अफेक्ट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था उनके सुसरे जमीन पे ही आ जाएगी, तो उनसे कहना चाहूँ कि हाँ, पूरा चाइना इन ऐप्स पे तो जी रहा है। अरे भैया, इन ऐप्स को बैन करने के बाद चाइना की आर्थिक स्थिति इतनी अफेक्ट होगी जैसे खली को चिकोटी काट देना। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, फिलहाल गूगल प्ले स्टोर से बैन की है और जल्दी नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा भी बैन कर दी जाएगी। मतलब कि यदि आप फिर भी इन ऐप को चलाते हो तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो ऐप में से नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे और आपके मुंह पे एक रैप्टा मार के बोलेंगे कि तेरी समझ नहीं आई, जब बैन कर दी तो जरूरी है चलानी। और अंतिम सवाल, क्या ये ऐप वापस आ जाएंगी? देखो भाई साहब, इसमें से अधिकतर ऐप तो अब वापस नहीं आएंगी, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी ऐप जैसे कि टिकटॉक है भैया अश्वत्थामा, ये नहीं मरेगा, ये बैन हो जाता है फिर आ जाता है, बैन हो जाता है फिर आ जाता है, बहुत ही बेशरम है। फिलहाल ट्विटर पर इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने मीटिंग की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उनको बताया है कि हम देश का, इंडिया का जो प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को, किसी देश को, खुद भारत को, इवन चाइना गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डाटा नहीं देंगे और देंगे ही नहीं। मतलब कि भैया मुझे पूर्ण आभास हो रहा है, बाकी ऐप्स का तो पता नहीं, लेकिन टिकटॉक वापस आ जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। लेकिन जो भी टिकटॉक क्रिएटर्स हैं उनसे निवेदन है कि भैया टिकटॉक का तो ऐसे ही रोना रहता है टाइम, आप कोशिश करो कि अन्य प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट बखेरो और बाकी जो ऐप यदि आपके फोन में है तो उन्हें लात मार मार के आप बाहर धकेलो और कुछ नहीं, खत्म।